क्योंकि वो जातिवादी पे लगाते थे, कभी हिंदू कभी मुसलमान, कभी हिंदू कभी मुसलमान। केजरीवाल हमें बस दे रहा फ्री में, अगर हमारे घर से नहीं मिलती है तो हम बस से ऑफिस जा सकते हैं। मोदी जी और उसके पीछे पूरी टीम जो है सरकार में अभी बीजेपी पार्टी का, वो सब हिटलरशिप कर रही है, डिक्टेटरशिप कर रही है। जब वोटर जागेगा ना तो सिस्टम चेंज होता है। ये मोदी जी को ने जो मतलब केजरीवाल जी को बंद किया है ना, उल्टा उनको फायदा होगा। पहले तो एक दो बीजेपी की सीटें आ जाती, अब सातों के सातों एमपी आएंगे। देखिए अगर दुनिया का बड़ा झूठ कहेंगे ना, हम दुनिया का सबसे बड़ा झूठ वो ये है कि कश्मीर के लोग बड़ा राज कर रहे हैं। हमारी स्टेट थी महाराजा की स्टेट थी, महाराजाओं की स्टेट जो हुआ करती थी उसको तोड़ कर दो यूटीज में कन्वर्ट कर दिया। और लिखा हुआ है जहाँ तक मैं पढ़ पा रही, लोकतंत्र ये किस तरह का विरोध प्रदर्शन है सर? ये रामलीला मैदान में इस समय इतनी भीड़ है कि लग रहा है जैसे पूरा देश ही उमड़ आया है। और रामलीला मैदान के बाहर आप देखिए, आपको दूर दूर तक कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। स्थिति ऐसी हो गई है क्योंकि देश भर से लोग यहाँ पे आए हैं। आज के कार्यक्रम में, लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम में, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उद्धव ठाकरे से लेकर के महबूबा मुफ्ती तक मौजूद हैं। सारे बड़े नेता यहाँ पे हैं, अलग अलग राज्यों के नेता हैं और सभी पार्टियों के नेता यहाँ पे विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के मौजूद हैं। और जो मैसेज देने की कोशिश हो रही है वो मैसेज दिख रहा है कि जनता हमारे साथ है। आप देखिए जनता, आप देखें कितनी ज्यादा है। और अभी ये कुछ भी भीड़ नहीं है, मुख्य मुख्य भीड़ जो भी अंदर है, 40 सीट आएगा, 40 से ज्यादा नहीं। ईडी सीबीआई नहीं चलेगा। अमित शाह को लड़का को पहले बंदी करो, ईडी सीबीआई नहीं चलेगा। 400 पार एक जीरो माइनस करो, इस बार देखा बहुत गलती कर दिया मोदी ने। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, दबाव है, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। ये दबाव की राजनीति करता केजरीवाल, केजरीवाल सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी था। वो प्रधानमंत्री जी ने देश को बर्बाद कर दिया। जीतेगा ही केजरीवाल, राहुल गांधी और जी मैम, हम यहाँ पे इस वजह से आए, हमें जितनी भी केजरीवाल सर ने फैसिलिटी दी थी वो बीजेपी में नहीं मिलने वाली मैम, क्योंकि वो जातिवादी पे लगाते थे, कभी हिंदू कभी मुसलमान, कभी हिंदू कभी मुसलमान। मोदी हटाओ 30 बजाओ। कौन सी फैसिलिटी है केजरीवाल की मैम? केजरीवाल हमें बस दे रहा फ्री में, अगर हमारे घर से नहीं मिलती है तो हम बस से ऑफिस जा सकते हैं मैम, हम काम कर सकते हैं मैम। हमें मोदी सर ये चीज नहीं देने वाले, हमारे केजरीवाल हमारे बारे में सोचते, हमारे हित के लिए लड़ते, मोदी नहीं लड़ने वाला मैम। हमारे हित पे अगेंस्ट खड़े हो, मोदी हटाओ 30 बजाओ, हमारा एक ही नारा मोदी हटाओ 30 बजाओ। केजरीवाल तमिलनाडु से आए हम लोग, केजरीवाल के लिए आए हम लोग कि हमारी केजरीवाल को क्यों इन्होंने ऐसा किया, डर गए मोदी जी, डर गए, इतनी जल्दी डर क्यों चुके आप लोग, इतना नहीं नहीं डरना चाहिए था। वो शेर है, शेर आएगा बाहर और जीतेगा, हमारा केजरीवाल केजरीवाल ही है और हमारा ही लिए, आपकी तरह चोर नहीं है। सब तमिलनाडु से आए, देखिए दक्षिण भारत भी यहाँ पे आया हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आए यहाँ पर, पूरे भारत आया हुआ है, पूरे तमिलनाडु से 3,000 लोग आए, 3,000 लोग तमिलनाडु। जिंदगी में पहली बार इतने आदमी देख लेगा मोदी, इतने आदमी मोदी जिंदगी देखा नहीं। और आप सुन लीजिए मोदी जी, ये मत सोचिए हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, आप ये मत सोचिए हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करेंगे, हम एक करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम सारे एक हो चुके हैं और केजरीवाल के लिए हम करेंगे। आप एक सेकंड आ जाइए, आप छोटे हो, आप बच्ची हो, लड़की हो, आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? क्या आई हूँ? क्योंकि केजरीवाल ने स्कूल में फीस कम करवा दी है, फीस ही नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे स्कूल में भी खाना फ्री देते हैं, बिल जाता है, बिल फ्री है, हमारा घर बहुत फ्री वाला था, झुग्गी में रहते हैं, वो टूटना मना कर दिया है। झुग्गी में रहते हैं, सुविधा वहाँ पे मिली है, पानी फ्री मिलता है हमको, सब फ्री मिल रहा है, मोहल्ले के लिए दवाइयों की वो लाइन भी फ्री है। जी बताइए, यहाँ पे हमारे लिए आम आदमी पार्टी ने इतना काम किया है, हमारे लिए मोहल्ला क्लिनिक फ्री किया है, बिजली का बिल फ्री है, बस का किराया फ्री है, वो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम आए लाजपत नगर से, ठीक है, सारे टीम है, तब उनके 10 साल से हम उनके कार्य करते हैं, केजरीवाल सबसे बड़ा भाई है हमारा,
जो मोदी जो अंतर किया उसको वो गलत किया है, जितना पाप है ना उसका घड़ा फट गया है। बार बार शराब घोटाला क्यों उठा रहे हैं बीजेपी? गलत है, इसलिए करेगी जितना गरीब है ना, जो गलत है वो गलत करेगी। गरीब के लिए देखो डर गया ना, इसलिए इलेक्शन था। अभी था इलेक्शन, सुनिए, अभी इलेक्शन था अप्रैल, एक मिनट, इलेक्शन था अभी अप्रैल में था, ठीक है ना। अब मोदी ने क्या किया, मई 25 मई को कर दिया डर के मारे कि इसको हमें ईडी में हम अंदर करेंगे केजरीवाल को, तो हम दिल्ली में जीतेंगे क्योंकि लेडीज के लिए वो बस फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, स्कूल फ्री है, खाना फ्री है। अब महिलाओं के लिए 1000 रुपया महीना बांध दिया, महिलाओं के लिए डॉक्टर की दवाई फ्री है, डॉक्टर फ्री है। और हम लोग झुग्गी झोपड़ी जो है केजरीवाल ने रखा है, जिंदगी रखा केजरीवाल ने, झुग्गी झोपड़ी सब बचाया। हमने जो छठ पूजा भी करे हैं वो मेरा भाई है, वो अंदर जरूर है, पर डरे ना, वो शेर जो है, शेर है, आएगा। हाँ, इस समय आप देखें कि महिलाएं बड़ी संख्या में आई हुई हैं और समर्थन जी बताइए मैम, आप यहाँ पे आई, इतनी गर्मी इतनी धूप में महिलाएं बड़ी संख्या में दिख रही है, क्या कारण है? भाई अरविंद के लिए आए हैं, उसने कैमरा लगवाए, उसने मोहल्ला क्लिनिक बनवाई, उसने शिक्षा मंत्री को अंदर करवा दिया, इस मोदी को मोदी सिवा केजरीवाल से डरा, डर के मारे उसे जेल में अंदर करवा दिया। इलेक्शनों की वजह से जीतेगा तो आप भी जीतेगा। मोदी को लगा डर, मोदी की तानाशाही तो चलने की नहीं, मोदी अंदर भी अब भी जीतेगा केजरीवाल, और जब भी जीतेगा चाहे कहीं भी घेर देगा। उसका 5 लाख पब्लिक आई है, 5 लाख पब्लिक आई, मोदी से तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब लोग मुखौटा लेके आए हैं, आप भारत का संविधान लेके आए हैं, क्या कारण है? ये भारत का संविधान नहीं है, ये बीजेपी का काल है। ये जो भारत का संविधान नहीं है, ये बीजेपी का काल है, क्योंकि इस संविधान के बदौलत ही एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। ये तो आपको पता है ना, एक चाय वाला प्रधानमंत्री भाई संविधान के, क्योंकि ये बीजेपी का काल है। जैसे संविधान का गलत और घोट के एक संविधान का उल्लंघन करके एक मौजूदा चीफ मिनिस्टर को भाजपा अंदर डालती है, वो भी किस आरोप में, एक झूठे आरोप में, किसको गवाह बनाती है, जिससे भाजपा 50 करोड़ रुपए चंदा लेती है। लेकिन हम खुश हैं कि अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा पार्टी देश का डरपोक प्रधान डरता है तो केजरीवाल से डरता है। केजरीवाल कोई नाम नहीं है, कोई शख्स नहीं है, केजरीवाल एक विचारधारा है। कितने केजरीवाल अरेस्ट करोगे, यहाँ तो लाखों की संख्या में केजरीवाल मौजूद है। बीजेपी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी। अच्छा ये बताइए, चुनाव से पहले केजरीवाल जेल में है, नुकसान होगा क्या पार्टी को? पार्टी को हफ्ते के अंदर बाहर, एक हफ्ते के अंदर बाहर। पार्टी को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, कहीं केजरीवाल को रोकना है इनको चुनाव के अंदर प्रचार न कर पाए। फायदा कैसे होगा? फायदा ये आप जैन सलाम देख लो, इससे ही पता आपको चल जाएगा दिल्ली के अंदर में कोने कोने से आदमी आया हुआ है महागठबंधन की रैली में। क्या लग रहा है रैली के बाद कुछ दबाव बनेगा सरकार पे कि केजरीवाल? रामलीला मैदान में अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सर आप ऐसे कटार आपके सीने में है और लिखा हुआ है जहां तक मैं पढ़ पा रही लोकतंत्र, ये किस तरह का विरोध प्रदर्शन है सर? ये 142 करोड़ के लोकतंत्र पर, एक सफेद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर मोदी जी द्वारा लोकतंत्र की हत्या करते हुए उस पर छुरा घोंपते हुए दिखाया गया है इस दृष्टांत के द्वारा कि मोदी जी लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सारी सरकारी एजेंसियों का गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, चंदा दो धंधा लो की राजनीति नीति को अपना लिए हैं और बिल्कुल जो है गरीब जनता के खिलाफ जा रहे हैं, भारत की जनता को एकदम से जमीन पर लाना चाहते हैं। सिर्फ 5 किलो अन्न तक ही उनको रखना चाहते हैं कि 5 किलो अपना गेहूं दो आटा दो, बस वहीं तक ही सीमित रखना चाहते हैं, और कुछ उनके चंद मित्र अडानी जैसे उनको वो कहां से कहां तक पहुंचा दिए हैं। और हमारे जितने भी ईमानदार नेता हैं और जो जनता के लिए काम करते हैं,
उनको वो उठा उठाकर जेल में डाल रहे हैं, जैसे कि अभी उन्होंने हमारे केजरीवाल जी को उठाकर जेल में डाल दिया, झारखंड के सीएम को जेल में डाल दिया, और अब तो इंटरनेशनल लेवल पर इनकी बेइज्जती हो रही है। वो बाहर से भी बता रहे हैं कि ये लोकतंत्र में मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे चौथी पास राजा अपना चौथी पास वाला जलवा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और अभी आप देखिए कि मंच पे जस्ट राहुल गांधी आए हैं, जिसके बाद से अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय आपको पूरा रामलीला मैदान पैक नजर आएगा, और अभी आपको यहाँ मंच पे महबूबा मुफ्ती नजर आ रही होंगी, और तमाम यहाँ पे बड़े नेता इंडिया गठबंधन के हैं इस कार्यक्रम में। हाँ जी सर, बताइए, यहाँ पे महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में समर्थन कर रही है, क्या कारण है? हाँ, इसलिए कि केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए और आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, तो मोदी सरकार के जरिया से आम महिलाओं को बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, महिलाओं को केजरीवाल के जरिए से मिला है। हाँ, मैं दूसरी बात, मैं एक बहुत अहम बात कहूँगा। सुनिए एक सेकंड, ये मोदी वाले हैं, ये हर घर मोदी का नारा लगा रहे हैं, वो उनको लगाने दीजिए। इस रैली में क्यों फिर आए अगर आप मोदी? ये माहौल देखने आए हैं, यहाँ पे चल कह रहा है, कितने बंदे फ्रॉड आ रखे हैं? अच्छा, कितने बंदे फ्रॉड आपको नजर आ रहे? ये भाग रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कि सवाल पूछने पे भाग रहे हैं लगातार, पीछे से मोदी मोदी तो चिल्ला रहे थे, लेकिन जब सवाल पूछो तो देखिए आप पतली गली से कट के निकल गए। इस समय रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लिए आपको हजारों लोग नजर आएंगे, और सर काफी खास तरीके से यहाँ पे आए हैं। सर, आप शंख लेके आए हैं, सीटी लेके आए हैं, क्यों विरोध प्रदर्शन? मैडम, आज पता चला कि आज भारतीय जनता पार्टी का अर्थी निकल रहा है, तो उसी अर्थी में कंधा देने के लिए हम शंख लेकर आए, क्योंकि ऐसे पावन बेला पे अशुद्ध तरीके से नहीं आना चाहिए। हम बिहार से आए हैं, मेरा नाम वीपी सिंह है, 38 जिला के लोग बिहार से यहाँ पे शिरकत किए हैं, क्योंकि देखिए हिटलर को सबसे ज़्यादा जर्मनी ने देखा, वहाँ के एम्बेसी ने शिकायत किया, आज सुप्रीम पावर कौन है देश वर्ल्ड में? अमेरिका, उसने भी बोला कि ये लोकतंत्र की हत्या है और अरविंद केजरीवाल के साथ अन्याय है। इन्होंने ईडी के माध्यम से भारत के तमाम नेताओं का फाइल खोल रखा है, जो बोलता है भाजपा में आ गए, आ रहे हैं, आ जाएंगे, उसको उसका फाइल क्लोज, नहीं तो जो भी वोट प्रभावित करेगा इनका उसको जेल में डाल रहे हैं। आज बड़े बड़े नेता जो ऑनेस्ट लोग हैं सबको जेल में डाल दिया गया। ये चुनाव से पहले अरविंद जी जेल में है, क्या इसका चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा, क्या नुकसान होगा? जेल में है तो इससे पूरे देश के आम जनता जो है वो आहत है, नाराज है, इसीलिए मैं यहाँ पर यही बोलूँगा कि कोई हमारी एकता को धक्का दे नहीं सकता, कोई हमारे हाथों से आम आदमी ले नहीं सकता, झुक नहीं सकता ये झंडा। अब तो हिंदुस्तान की, केजरीवाल के सपनों का ये झंडा, इस देश के लोगों की अरमान की। क्या लगता है कब तक अरविंद जी आपके बीच में आ जाएंगे? बहुत जल्दी, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक अरविंद केजरीवाल जी हमारे सामने नहीं आ जाते। वैसे तो हमारे दिलों पे राज करते हैं, दिल के अंदर हैं। इतिहास का ये काला दिन है कि जब ऐसा कोई सीएम कुर्सी पर रहते हुए जेल के अंदर डाला जा रहा है, कस्टडी में डाल दिया गया है। इससे बड़ी तानाशाही ना हिटलर की रही, ना दुनिया में किसी की रही। ये मोदी की जो हिटलर शाही है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है, अमेरिका से लेकर जर्मनी होते हुए सब जान रहा है। यूएनओ वाले, यूएनओ में भी मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन मोदी मीडिया और मोदी इनकी जो पूरी टीम है, ये लगी हुई है कि कैसे भी केजरीवाल को डाउन किया जाए, लेकिन केजरीवाल आज वर्ल्ड के हीरो बन गए, इंटरनेशनल हीरो बन गए, और ये सबसे बड़े हीरो बन के उभरेंगे, वो बहुत जल्दी सबके बीच में होंगे। रामलीला मैदान में विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ रैली चल रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समर्थक जो है आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल के, कांग्रेस के, सब यहाँ मौजूद हैं। ये पहले आप प्लेकार्ड पढ़िए कि जब मोदी चले जाएंगे भाजपा वालों, तुम्हारे भी बुरे दिन आएंगे, वक्त का पासा पलट भी सकता है, इसलिए तुम वही करना जो सह सको। ये एक कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से, ये जो बात है ना कि आप लोग चले जाओगे आपके साथ ऐसा होगा, ये धमकी की तरह लग रहा है, ऐसा है क्या? धमकी की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जिस प्रकार से ईडी का, एजेंसियों का दुरुपयोग जो है भाजपा शासित केंद्र सरकार कर रही है, तो ये सिर्फ इनको समझाया जा रहा है कि अब इस बार जो ये जनता का जो आप सैलाब देख रहे हैं, जनता का जो आप सैलाब देख रहे हैं, इस बार ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो इनका एनडी का लाइन है, ये जाने वाला है, और इन्हें हम सूचित कर रहे हैं कि ऐसा गलत काम मत करो विपक्ष के साथ कि कल के दिन आपको भी भुगतना पड़े। तो घोटाले तो इनके लोग भी करते हैं, ऐसा तो है नहीं, और ये वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाते हैं दूसरी पार्टी। अजीत पवार का मामला देखो, आप असम में
जो वहाँ के मुख्यमंत्री उनका मामला देखो, पार्टी छोड़कर यहाँ आते हैं, ज्वाइन करते हैं और वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाते हैं। कोई ईडी नहीं, कोई एजेंसियाँ नहीं, कोई सीबीआई नहीं। नहीं, आपने भी एक वाक्य बोला कि घोटाले तो उधर के लोग भी करते हैं, मतलब इधर भी हुआ है क्या? बड़ा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा हुआ होता तो आज इनके पास बहुत सारे हमारे खिलाफ सबूत होते और आज इनको ये जेल में डालकर इनको आज ये जो है जेल करवाते। ये बताइए, जो काम ईडी सीबीआई के जरिए करवाया जा रहा है, जेल में भेजा जा रहा है, इस रैली से क्या कुछ असर पड़ेगा? वो कुछ समझेंगे, सोचेंगे कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए? फिर रैली का फायदा क्या है अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो? हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ का इतिहास बताता है कि जब जब क्रांति हुई है तब तब बदलाव हुआ है, और ये क्रांति वही हो रही है जिससे बदलाव होगा। जो ईडी ने किया, ईडी ने बहुत बड़ा घोटाला जो केजरीवाल जी के सामने लाए, वो था 73,000 रुपये का, मात्र 73,000 रुपये का, जो आज एक झुग्गी में भी मिल जाता है 73,000 रुपये। सिर्फ एक शरद रेड्डी के बयान पर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, वो भी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री को आप एक भ्रष्टाचार के आरोप में आप गिरफ्तार करते, ये बहुत ही गलत आरोप है, ये झूठा आरोप है। ये जन आक्रोश जो आज आप देख रहे हैं, ये क्रांति जो आप देख रहे हैं, ये जन जन बच्चा बूढ़ा जो आदमी पंजाब से आया है, दिल्ली के हरियाणा पंजाब आसपास के सभी क्षेत्रों से एकत्रित हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि रामलीला मैदान से एक बदलाव होगा, और ये बदलाव होगा केजरीवाल जी के आने वाले इलेक्शनों में पूरा सत्ता दिखाई देगी कि जी हमारी केजरीवाल जी की सत्ता आ रही है, मोदी जी यहाँ से जा रहे हैं। चुनावों से पहले सर केजरीवाल जी का जेल में होना, क्या आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है विपक्ष को, क्योंकि आपका मुख्य नेता ही जेल में है? अरविंद केजरीवाल जी मोदी के सामने वो डर है, तभी तो अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। सत्येंद्र जैन जी को आपने कहा था घोटाला, सत्येंद्र जैन जी को 2.5 साल के करीब हो चुके हैं जेल में, अभी तक इनसे कोई जांच नहीं हुई है। अब भी सीबीआई कह रही है, पिछले 4 दिन से मैं मीडिया में देख रहा हूँ, सीबीआई टाइम मांग रही है, और कितना टाइम चाहिए सीबीआई को, ईडी को? अब अरविंद केजरीवाल जी को, कितने केजरीवाल को जेल में डालोगे? आज हमारा स्लोगन है मैं भी केजरीवाल, डालो कितने केजरीवाल को जेल में डालोगे आप? इस देश का हर नागरिक, देश का संविधान बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए जेल की यातनाएं भी सहेगा। इतना अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना बीजेपी की सरकार करी है। और मोदी जी जब कहते मान, बीजेपी के कुछ लोग मानते हैं मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, अगर ये इतने बड़े नेता हैं, इन्हें कांग्रेस के लीडर्स की क्या जरूरत पड़ रही है अपनी पार्टी में शामिल करने की? इनके पास खुद के चेहरे नहीं है क्या? और ये कहते हैं कि आपने अलायंस कर लिया, इंडिया अलायंस में तो 26 राजनीतिक पार्टियां हैं, एनडीए अलायंस में तो 38 राजनीतिक पार्टियां हैं। वो इतने होने के बाद इस इंडिया अलायंस से इतना डरे हुए हैं कि इनके जो नेता हैं उनको या तो फर्जी केस में फंसाना चाहते हैं, या पैसों के लालच में डराना चाहते हैं, जेल के ईडी सीबीआई आईबी दुनिया भर की एजेंसियों से मतलब डरा धमका के उन्हें बैठाना चाहते हैं। मगर इस देश का नागरिक अब जाग चुका है, जब से बीजेपी की सरकार आई है इन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, स्मार्ट सिटी बना दूंगा, 15-15 लाख रुपए दे दूंगा, देश को दुनिया का नंबर वन देश बना दूंगा। पूरी दुनिया में 206 देश हैं, भारत की स्थिति आज ऐसी कर दी है मोदी जी ने। इन्हें मेयर के चुनाव में दिल्ली में मुंह की खानी पड़ी, चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव होया उसमें भी इन्होंने गपलेबाजी की, फिर भी इन्होंने कोर्ट के अंदर मुंह की खानी पड़ी, अब ये कितनी बार मुंह की खाएंगे? जम्मू विद केजरीवाल, सर आप कश्मीर से हैं, आप केजरीवाल के समर्थन में आए हैं, ऐसा क्यों? देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के खतरे में आए, इसके लिए आप यहाँ पर मीडिया वाले आजाद करते रहते हैं, शैली लोग यहाँ इतने मारे गए, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। दिल्ली आने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से फेक केस के अंदर अरेस्ट किया गया, एक ऐसा केस जिसके अंदर मैं कहता हूँ चांदनी चौक का कोई जेब कतरा भी अरेस्ट ना हो, ऐसे केस के अंदर जो उनको अंदर अरेस्ट कर लिया गया, वहाँ पर एक पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते हुए मोदी जी जो जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पर, संविधान को तोड़ के ईडी को इस्तेमाल करके, तो ये इसका कंडम करने के लिए हम वहाँ से चल के यहाँ आए, और हम आपके साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपकी बार मोदी जी को पार कर दो, वरना ये तो हिंदुस्तान को पार कर देंगे। लेकिन कहा जाता है भाजपा की तरफ से कि कश्मीर में बहुत विकास कर दिया है, फिर क्या? देखिए अगर कोई दुनिया का बड़ा झूठ कहेंगे ना हम, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, तो वो ये है कि कश्मीर के लोग बड़ा राज कर रहे हैं। हमारी स्टेट थी महाराजा की स्टेट थी, महाराजाओं की स्टेट जो हुआ करती थी उसको तोड़कर 2 UTs में कन्वर्ट कर दिया। पिछले 10 साल से कोई इलेक्शन नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है सरकार के पास हमारे लिए, और पूरे हिंदुस्तान को गुण गाया जाता है कि जी 370 तोड़ने के बाद वहाँ पर बड़ा सुख है, वहाँ की माताएं बहनें
माँ के नौजवान इतने परेशान है कि इतने में कहूँगा कि भाई श्रीलंका ऐसी जगह में और बांग्लादेश ऐसी जगह में इतने परेशान नहीं जाओगे जैसे जम्मू कश्मीर के लोग इससे परेशान। बड़े बड़े नेता मंच पर पहुंचने एक के बाद एक, जिसके बाद से भारी उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है। बड़ी भीड़ है और इस भीड़ के जरिए संदेश यही दिया जा रहा है कि लोकतंत्र बचाओ महारैली है, ये तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली। और इस महारैली से ये संदेश दिया जा रहा है कि आपने किसी एक नेता को जेल में नहीं डाला है, आपने पूरे विपक्ष पे हमला किया है। और यही कारण है पूरा विपक्ष, क्योंकि आमतौर पे ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है कि देश के अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा आए और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कहना यही है कि ईडी सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कांग्रेस के खाते बंद कर दिए जा रहे हैं, उससे लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और इसीलिए ये महारैली लोकतंत्र को बचाने के लिए चल रही है। बात अरविंद केजरीवाल को जेल में डाले जाने की है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के समर्थकों के अलावा कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं, बड़े लीडर्स मौजूद हैं और उनके समर्थक जो हैं वो भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं। एक जो सवाल उठता है सर लगातार कि कभी कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के साथ रहती है, कभी नहीं, दिल्ली में साथ है, पंजाब में नहीं है, तो ये समर्थन पूरा क्यों नहीं दिख पा रहा है जिस समय पूरे समर्थन की बात होनी चाहिए? देखिए, ये देश की राजधानी है और इंडिया गठबंधन का हिस्सा केजरीवाल जी भी हैं, आज सारे सभी दल इंडिया गठबंधन के यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये एकता का प्रतिरूप है और इसमें एकता अनेकता वाली तो बात नहीं। और भारत वैसे विविधताओं का देश है और उस एकता का आज सारे दल इकट्ठे होकर यही संदेश दे रहे हैं भी सारा इंडिया गठबंधन एक है। नहीं, और ये क्या इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख चेहरा है केजरीवाल, शायद इसीलिए उनके ऊपर सबसे ज्यादा घातक हमला हुआ ईडी सीबीआई का, क्या नुकसान हो रहा है केजरीवाल के जेल में होने का ऐन चुनाव के वक्त? देखो, जनता ने समझ लिया, आप दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक कहीं भी पूरे देश में मोदी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करके राजनेताओं को गिरफ्तार कर रही है। अभी एसबीआई के अंदर जो बॉन्ड वाला घोटाला था उसको छिपाने के लिए केजरीवाल जी को पकड़ के अंदर डाल दिया। मुद्दा तो अपनी विफलताओं को छुपाने का है। आज इतनी खिलाफत है मोदी जी की, ये 400 का नारा हरियाणा में जैसे मनोहर लाल खट्टर की 75 का पार का नारा था और 40 आए थे, वैसे आज ये 200 पार नहीं होंगे। हाँ, जो मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार वो सच है, लेकिन वो 400 पार मोदी के एमपी नहीं लहसुन होगा, सब्जी वाला लहसुन 400 पार जाने वाला है। मोदी जी के एमपी 400 पार नहीं करेंगे, 200 से कम नीचे रहेंगे। और अब ये सरकार को जनता ने मन बना लिया है, जो केवल और केवल बातें करती है और वो भी झूठी बातें करती है, बदलने का मन है। आप जनता देख सकती हो, भारी गर्मी है आज इस समय और गर्मी के अंदर भी सारे लोग किस तरीके से अपने इंडिया गठबंधन के प्रति आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये बदलाव का संकेत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त संविधान को सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी सरकार से, जो सेकुलर गवर्नमेंट होना चाहिए उसको खतरा है बीजेपी पार्टी से, और देश को खतरा है कि कहीं हमारा देश भी हिटलर की तरह डिक्टेटरशिप के अंदर ना आ जाए, बल्कि आ चुका है। मोदी जी और उसके पीछे पूरी टीम जो है सरकार में अभी बीजेपी पार्टी का, वो सब हिटलरशिप कर रही है, डिक्टेटरशिप कर रही है। तो आम जनता को ये बात समझ में आ रही है कि ये जो ईडी है या आईटी है या पुलिस है, उसके जरिए से चाहे हेमंत सोरेन हो या केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस के खिलाफ आईटी का अभी जो 1800 करोड़ का उस पर फाइन लगाया गया, ये सब डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि 500 वकीलों ने और मोदी जी ने जो एक लेटर जारी किया डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे रेस्पेक्टेड चीफ जस्टिस हैं उसके नाम पर, ताकि उनको दबाव में लाकर जुडिशरी को भी गुलाम बना ली है सरकार। इस वजह से आम जनता आज पूरे देश में देख रही है कि रामलीला मैदान में क्या हो रहा है, और इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी और सारे देश के पार्टी जो अपोजिशन में है वो देश को बचाने के लिए उसी तरह से आज यहाँ खड़ी है रामलीला मैदान में, जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी और उनके साथ लाखों करोड़ों लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ा था, उसी तरह से आम जनता यहाँ पे मोदी जी के डिक्टेटर के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद।
जी ये बताइए क्या, क्योंकि भाजपा की तरफ से आप लोग कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके केजरीवाल को अंदर डलवाया गया कि चुनाव में नुकसान हो, क्या ऐसा होगा? क्योंकि इतना बड़ा नेता आपका मेन चुनाव के टाइम पे जेल में है, क्या कुछ नुकसान होगा इससे? जी नुकसान तो बिल्कुल होगा, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है जो कि बिल्कुल ही बेबुनियादी गिरफ्तारी और एक राजनीतिक गिरफ्तारी कह सकते हैं, जिसको चुनाव से ठीक एक महीना पहले गिरफ्तार कर लेना और बेबुनियादी गिरफ्तारी, तो नुकसान तो होगा, बट मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और ये बात पूरे भारत को समझ आ चुकी है, जिस तरीके से ये तानाशाह सरकार देश के साथ कर रही है और ये डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश करी जा रही है, ये बिल्कुल ही नाकामयाब होंगी और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। मैम कोई नुकसान नहीं होगा, लोगों को समझ में आ चुका है। देखिए एक होता है सपोर्टर और एक होता है वोटर, जब वोटर जागेगा ना तो सिस्टम चेंज होता है। ये मोदी जी को ने जो मतलब केजरीवाल जी को बंद किया है ना, उल्टा उनको फ़ायदा होगा। पहले तो एक दो बीजेपी की सीटें आ जाती, अब सातों के सातों एमपी आएंगे। और जब एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, लोग बाग नहीं समझ रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब इंसाफ होना बंद हो जाए ना तो वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। आज क्या होता है, इंसाफ नहीं हो रहा, सब कुछ बिका पड़ा है। बिल्कुल, तो अभी जो देखिए रामलीला मैदान में जो माहौल है और रामलीला मैदान के बाहर जो माहौल है, उससे ये तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा का ये दांव जो कि ईडी सीबीआई वाला है, हालांकि ये कथित ही है, आरोप ही लग रहा है, वो अब भारी पड़ने लगा है, क्योंकि जनता के बीच की जो नाराजगी है वो अब भीड़ बनकर के सड़कों पर आ चुकी है। रामलीला मैदान हो चाहे रामलीला मैदान के बाहर, रामलीला मैदान के अंदर आपको पूरा विपक्ष एक साथ दिखाई दे रहा है, तो रामलीला मैदान के बाहर जनता आपको दिखाई दे रही है जो कि लगातार एक ही बात कह रही है कि लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, जिसमें चुनावों के दौरान एक नेता को डर के मारे जेल के अंदर डलवा दिया जाता है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ निवेदिता शांडिल्य, मॉलिटिक्स दिल्ली।